जी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? यस, यू आर लुकिंग वेरी नाइस एंड फ्रेश एज ऑलवेज। जी जनाब, हम अब आजकल क्या कर रहे हैं जल्दी से बताइए। हम कर रहे हैं रिवीजन। और रिवीजन क्यों किया जाता है ये भी आप बताइए मुझे जल्दी से। जी, रिवीजन इसलिए किया जाता है क्योंकि हम जब न्यू चैप्टर्स कर रहे होते हैं, न्यू एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, नया काम कर रहे होते हैं, तो उसके साथ साथ हम अपना प्रीवियस चैप्टर भी रिवाइज कर रहे होते हैं। प्रीवियस एक्सरसाइजेस जो हमने पहले पढ़ी हुई होती हैं, हम उसे रिवाइज करते हैं, ये देखते हैं कि भाई कहीं हम भूल तो नहीं गए, इसलिए हम रिवीजन करते रहते हैं, है ना। हमने अब तक चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का रिवीजन कर लिया है और अब कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन। जी, कल हमने एक बड़े मज़े की वीडियो देखी थी, समझ में हमें आई थी, हमने उसकी वीडियो देखी, हमने रीडिंग की। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी एक्सरसाइजेस की रिवीजन करेंगे, देखेंगे ना कि भाई एक्सरसाइजेस हम कहीं भूल तो नहीं गए हैं, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे जल्दी से बताइए। जी, हम अपनी बुक के सफ़ा नंबर यानी कि लेट्स ओपन योर पेज नंबर 27। लेकिन रुके, आप नहीं खोलें अभी। ऐसा करती हूँ कि अभी सिर्फ हम यहाँ वीडियो में देखते हैं पेज और उस पेज पे मौजूद है एक्सरसाइज, क्योंकि आपने तो अपनी बुक पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट की हुई है ना। तो अभी आप बुक ना खोलें अपनी और मुझे सिर्फ यहाँ बताइएगा कि भाई इन एक्सरसाइजेस को हमने कैसे सॉल्व किया था। और जब हम ये वीडियो कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आप अपनी बुक में से इसको रिवाइज कीजिएगा, दोबारा से लर्न कीजिएगा और फिर अपने टीचर को वॉइस नोट भेज दीजिएगा। कैसा है ना, अच्छा। चलें जी, क्योंकि हम कर रहे हैं रिवीजन तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने ये एक्सरसाइजेस पहले की हुई हैं, सिर्फ आज हम क्या करेंगे, सिर्फ हम इनको रिवाइज करेंगे, देखेंगे कि हमें कितना लर्न करना है आगे। ठीक है, ठीक है जी। हमारे पास पेज नंबर 27 मौजूद है, अंडरस्टैंड की एक्टिविटी है। यहाँ पर हमने क्या किया था, मेकिंग क्वेश्चंस की कैप्टिविटी की थी, जिसमें हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए थे, उन स्टेटमेंट्स को हमने क्या करना था, उनमें मौजूद थे आगे ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स डू और डज, डू और डज को यूज़ करते हुए हमने क्या करना था, हमने क्वेश्चन बनाना था। जी बिल्कुल, हमने क्वेश्चन बनाना था। तो हमने क्या करना है, यहाँ प्रैक्टिस करनी है, देखना है कि हमने क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। आप भी कोशिश कीजिएगा, सोचिएगा और बताइएगा कि भाई इन स्टेटमेंट का क्वेश्चन क्या होगा, क्योंकि हम कर रहे हैं रिवीजन और हमने ये एक्सरसाइज पहले कंप्लीट की हुई है, तो आप बिल्कुल ये एक्सरसाइज बता सकते हैं। हाँ, चलें जी, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। मेकिंग क्वेश्चन, सम क्वेश्चन स्टार्ट विद डू एंड डज, एग्जाम्पल डू यू ईट मैंगो क्वेश्चन मार्क। ये तो आपको पता है कि जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या करते हैं, जी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, या फिर डज ही ईट मैंगो क्वेश्चन मार्क, डू और डज से हम क्वेश्चंस बनाते हैं। हमारे पास मेकिंग क्वेश्चन फॉर दिस आंसर्स स्टार्ट विद गिवन वर्ड इन द ब्रैकेट। ठीक है, आंसर नंबर 1 है चू चू इज अ लिटिल चिक। चू चू इज अ लिटिल चिक। हमारे पास आगे ब्रैकेट में वर्ड मौजूद है हु, हु, यानी कि हमने यहाँ क्वेश्चन बनाना है हु यूज करके। हमने पहले डब्ल्यू के क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, इसमें हमने डू और डस का नया बनाना है, लेकिन हु का तो हमें बनाना आता था, है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनाया था, हमने जल्दी से याद कीजिए कि हमने क्या क्वेश्चन बनाया था, इस स्टेटमेंट का क्वेश्चन क्या था। जी, कर रहे हैं हम रिवीजन, याद होगा आपको, है ना, क्या क्वेश्चन बनाया था इसका। यस, हु इज चू चू, हु इज चू चू, चू चू कौन था भाई, हु इज चू चू। क्वेश्चन मार्क में हम क्या लगाते हैं आखिर में, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क, वेरी गुड, हु इज चू चू, आंसर चू चू इज अ लिटिल चिक, चू चू इज अ लिटिल चिक। आंसर नंबर 2 है
Choo-choo has a beak. Choo-choo has a beak. Choo-choo has a beak. जी, इसका हमने क्वेश्चन बनाना है. हमें चूचू उसमें क्या करना है, कौन सा वर्ड यूज़ करना है, हु ब्रैकेट में मौजूद है, हु. क्वेश्चन हमने क्या बनाया था, याद कीजिए जल्दी से, रिवीजन कर रहे हैं ना, कुछ तो याद होगा. हाँ, इसका हमने क्वेश्चन बनाया था, हु हैज़ बीक. हु हैज़ बीक. जी, हु हैज़ बीक, क्वेश्चन मार्क, यानी किसकी बीक होती है. चूचू हैज़ अ बीक. किसकी बीक थी भाई, चोंच किसकी थी. यस, चूचू हैज़ अ बीक. चूचू हैज़ अ बीक. वेरी गुड. आंसर नंबर 3 है हमारे पास, यस आई लाइक मीट एंड ग्रेन्स. यस आई लाइक मीट एंड ग्रेन्स. क्वेश्चन बनाना है, वर्ड कौन सा हम यूज़ करेंगे. यस, डू को यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन बनाना है. याद कीजिए हमने क्या क्वेश्चन बनाया था, रिवीजन कर रहे हैं ना, कुछ तो याद होगा. यस, वेरी गुड. डू यू लाइक मीट एंड ग्रेन. Do you like meat and grain? Question mark. Yes, do you like meat and grain? Question mark. इसके बाद क्या है भाई, आंसर नंबर 4 है, Yes, cat likes meat and milk. Yes, cat likes meat and milk. Question बनाना है हमारे पास, ब्रैकेट में मौजूद है, does, does को यूज करते हुए हम क्वेश्चन बनाएंगे, और क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा भाई. Yes, does cat likes meat and milk. Does cat like meat and milk? Question mark. Answer is ka yes. Cat likes meat and milk. Hamare paas exercise maujood hai. Retell topic. Aur usme kya hai? Read a number in correct order. Hamare paas chapter se related kuch statements maujood hai. Sentences maujood hai. Hame isme correct order mein likhna hai. कॉपी नहीं खोलनी है जी. ऐसी बताइए मुझे क्या हमारा इसमें सीक्वेंस बनेगा. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में हम बताएंगे. यहाँ लिखा हुआ है, आई वॉज बॉर्न, आई एम अ ह्यूमन, हु आर यू, आई एम नॉट अ बर्ड. हमारे चैप्टर के लिहाज से क्या सीक्वेंस बनेगा इन सेंटेंसेस का. नंबर 1 पे कौन सा सेंटेंस आएगा. वेरी गुड. हु आर यू, हु आर यू, क्वेश्चन मार्क. फर्स्ट में हमारा आएगा हु आर यू, और सेकंड पे यस आई एम नॉट अ बर्ड, आई एम नॉट अ बर्ड. तो 2 पे सेकंड पे आएगा आई एम नॉट अ बर्ड, और 3rd पे आई वॉज बॉर्न, आई वॉज बॉर्न, और 4th पे यस आई एम अ ह्यूमन, आई एम अ ह्यूमन. तो हमारा सीक्वेंस क्या बना था इसका, शायद क्या आप लोगों ने समझ में आ गया ना, रिवाइज हो गया. वेरी गुड. हु आर यू, आई एम नॉट अ बर्ड, आई वॉज बॉर्न, आई एम अ ह्यूमन. वेरी गुड. यानी कि हमने क्या किया आज, 2 एक्सरसाइज अपनी मेकिंग क्वेश्चन की और रीटेल टॉपिक की रिवाइज की है. रिमेनिंग एक्सरसाइज को भी आप खुद से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है. खुद से रिवाइज भी करना, ये नहीं कि सिर्फ मेरा इंतज़ार करना है कि जब मिस आएंगे तो ही हम रिवाइज करेंगे और रिवीजन करेंगे, नहीं ना. वेरी गुड. अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, अच्छे से देखना है, रिवीजन करना है. वीडियो के बाद फिर आप रिवीजन करेंगे, अपनी बुक खोलेंगे, उसमें से रिवाइज करेंगे, और अपनी टीचर को वॉइस नोट भेजेंगे कि हमने आज रिवीजन किया है. कल मिलते हैं नए काम के साथ. अल्लाह हाफिज़.